अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बिस्किट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी रेसिपी से बनेंगे। ये बहुत ही यम्मी बिस्किट होते हैं जो घर पर आप ईज़िली बना सकते हैं। तो इनके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, उनमें सबसे पहले हमारे पास आटा, जो मैं एक छोटी कटोरी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं सेम क्वान्टिटी में ही सूजी यूज़ कर रही हूँ, एक छोटी कटोरी यानी के, और सेम क्वांटिटी में ही मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने चीनी को पाउडर में चेंज कर लिया है, तो आप भी चेंज कर लीजिएगा इसको पाउडर में। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे नारियल, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैंने तकरीबन पाउडर में ही चेंज कर लिया है। उसके बाद है मेरे पास ज़ीरा, जो कि मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद हम 1 चम्मच तकरीबन नमक का यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारे पास दूध, एक छोटी कटोरी। और फिर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी एक अंडा, और साथ में मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच ऑयल के। तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपने कोकोनट बिस्किट बनाएँगे। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे आटा ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी और फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। अब मैं इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर बाकी की चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने इसमें क्या डाला था, आटा, सूजी और जो चीनी थी, मैंने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ नमक। नमक के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट। कोकोनट के बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इन चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें अंडा। मैंने एक पूरा अंडा यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और अंडे के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इनको पहले अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर हम लास्ट पे इसमें दूध ऐड करके इसको डो में चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप चाहें तो इनके अंदर बादाम ऐड कर सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, मतलब नट्स आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप उनमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहें तो आप ये सिंपल सी रेसिपी से भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका डो तकरीबन बन गया, पर अभी हमारा दूध ऐड करने वाला है। तो हम लोग दूध को थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे अकॉर्डिंगली, जितना हमें चाहिए कि हमारा एक अच्छा सा डो रेडी हो जाए। उसमें आप बेशक ये पूरी कटोरी यूज़ कर लें, अगर आपका कम भी यूज़ हो रहा है तो इस ऐसा कोई इशू नहीं है, बस आपने एक अच्छा डो बनाना है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा जो डो है वो तकरीबन बन गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, रेस्ट देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट का। उसके बाद हम इसको शेप दे लेंगे। आप चाहे तो उसके लिए कोई मोल्ड यूज़ कर लें, आप चाहे तो इनको जैसी भी आपका दिल करता है आप इनको शेप दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको रेस्ट देते हैं और फिर बाद में हम इसको शेप डालेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमने अपने डो को 5 मिनट का रेस्ट दे लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक प्लेट लेके उसके ऊपर जो क्लिंग लैप होता है वो भी छा लिया। उसको फिर मैंने एक ऑयल का कोट दे के, जो अपना ये सूजी का डो है वो मैं उसके ऊपर फैला रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिंग लैप के बजाय जो है वो बटर पेपर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं है आपको तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि चिपकेगा नहीं नीचे, ईजीली हम लोग जो होते हैं ना इसको अलग कर सकेंगे। तो गाइज़ ये फैल गया। मैं इसको फैलाने के लिए भी साथ साथ थोड़ा ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको कट करके शेप में देंगे। आप चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले, आप कोई मोल्ड यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहे तो वैसे ही किसी भी चीज़ से जैसे भी आप शेप देना चाहें इनको वो आप दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको शेप देते हैं इनकी कटिंग करके। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अब इसको शेप दे रही हूँ। मैं यहाँ पे एक ढक्कन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं पूरा जो है ना वो शेप दे लूँगी और फिर हम अपनी कुकीज़ को निकाल लेंगे। सो गाइज़ ये हमने शेप दे लिया जैसे हमने आपको दिखाया था। तो हमारी कुकीज़ की जो शेप है वो बिल्कुल रेडी है। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की, तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें बेक भी कर सकते हैं, बट मैं इसको फ्राई करती हूँ।
सो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया और उसको मैं गर्म कर रही हूँ, लेकिन मैं उसकी जो हीट है वो बिल्कुल लो कर रही हूँ। मैं लो फ्लेम पे इनको फ्राई करूँगी यहाँ पे। तो जो हमारी कुकीज़ हैं हम उनको ऑयल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। ऐसे ही मैं सारी कुकीज़ को फ्राई कर लूँगी। तो गाइज़ जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन हो गई हैं, और इसी तरीके से हम लोग इनको सारी जो मेरी कुकीज़ हैं मैं उनको फ्राई करूँगी, और इनकी खुशबू बहुत ही मज़े की आना भी स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इनको सबको फ्राई करते हैं और फिर हम फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। सो गाइज़ हमारी कुकीज़ बिल्कुल रेडी हैं और यह है इनकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना प्यारा है और इनकी खुशबू तो बस मैं बता नहीं सकती आपको कितनी मज़े की है यहाँ आ रही है मुझे। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की टिप की बात करती चलूँ तो वो यही मैं आपको टिप देना चाहूँगी कि इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। अगर आप फ्लेम थोड़ा सा भी तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगी, तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इनको फ्राई बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, बट ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही सिंपल रेसिपी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और साथ में जो बेल आइकन होता है ना उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।